हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं परशुराम देवांगन, आप सबका हमारी कंपनी सी इंटरप्राइजेस में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज इस मशीन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये मशीन आप देख सकते हैं, ये है सोडा बॉटलिंग प्लांट 1+1+1 मॉडल है, जिसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि ये मशीन कैसे वर्किंग करती है, मशीन का प्राइस कितना है, मशीन से आपकी कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और इससे आप जो प्रोडक्शन करके अपना ब्रांडिंग बन करके आप कितना अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मशीन की हम आपको कंप्लीट जानकारी देते हैं और इसकी पूरी वर्किंग भी बताते हैं। तो आप पूरा सर, जैसे कि आपने हमारे ग्राहकों को इस मशीन के बारे में बताया, तो आप हमारे ग्राहकों को क्या क्लियर कर सकते हैं कि इसका पर डे का प्रोडक्शन कितना है? बिल्कुल, मैं सारे कस्टमर्स को बता देना चाहता हूँ, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये 1+1+1 मॉडल है। इसमें से हम 3 से 3,500 बॉटल की प्रोडक्शन आराम से ले सकते हैं, 250 ml वाली, और अगर हम इसमें से चाहें तो 500 ml का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, और हम 1 लीटर 2 लीटर सारे साइज, मतलब हम इसमें से 2.25 लीटर या उससे बड़ी साइज भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी बड़ी साइज़ की बॉटल बनाते हैं, अगर 500 ml का या 1 लीटर का, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, 3-3.5 हज़ार बॉटल नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये, जैसे आप 1+1+1 देख रहे हैं, तो ये 1+1+1 में होगा कि आप एक में प्रोडक्शन करेंगे, जैसे सोडा का, जिसमें हम सोडा के साथ सिरप लेते हैं, और एक से आप जूस भी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल जूस होता है हमारा, जैसे हम मैंगो जूस पीते हैं या लीची जूस पीते हैं, तो इसका प्रोडक्शन भी आप इस मशीन से कर सकते हैं। मतलब बेयर मिनिमम आप 3 से 3.5 हज़ार बॉटल की प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं। तो सर, आप जो ये सोडा प्लांट मशीन के बारे में बता रहे हैं, इस मशीन से पर डे हमारे कस्टमर्स को क्या प्रोडक्शन होगा, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, प्लीज़ हमारे कस्टमर्स को बताएं। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ सारे कस्टमर को, सारे व्यूअर्स को, ये जो आप मशीन देख रहे हैं सोडा बॉटलिंग प्लांट, ये 1+1+1 मॉडल है। इसमें से आप 3 से 3.5 हज़ार बॉटल जो है 250 ml का आराम से आप प्रोडक्शन ले सकते हैं पर डे का, और इसमें अगर आप जैसे 500 ml का बॉटल बनाते हैं या 1 लीटर का बनाते हैं, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा चीज़, इसमें 1+1+1 का मतलब ये है कि आप इससे, जैसे कि आप मान लीजिए कोला फ्लेवर बना रहे हैं या जीरा बना रहे हैं, तो ये सोडा और ये आपका फ्लेवर बन जाएगा। दूसरा, आप ये जो एक एक्स्ट्रा दिया है हमने, इसमें आप प्लेन जूस बना सकते हैं, जैसे कि मैंगो माजा होता है या फिर फ्रूटी हो गई या आपका लीची हो गया, इस तरीके के प्लेन जूस भी आप इस मशीन से पैकिंग कर सकते हो। तो सर, आपने अभी तक की मशीन की कैपेसिटी के बारे में बताया, मशीन के फीचर्स के बारे में बताया, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हमारे कस्टमर्स, जो हमारे व्यूअर्स ये मशीन देखेंगे, तो वो इसको कैसे परचेज करेंगे? क्या उसके लिए उन्हें इस कंपनी में आना पड़ेगा या फिर वो ऑनलाइन भी इसे परचेज कर सकते हैं? हमारे कस्टमर्स को क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई इस मशीन को परचेज करना चाहते हैं, तो अगर कस्टमर चाहे तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हमारी कंपनी जैसे सारे जगह रजिस्टर्ड है, आप वाया इंडिया मार्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जस्ट डायल के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, हमारी कंपनी के जो अकाउंट है उसमें भी आप पेमेंट करके मंगा सकते हैं। बट हम बोलते हैं कि कस्टमर एक बार यहाँ पर आए, क्योंकि उनको बिजनेस करना है, तो सामने आके फिजिकल मशीन को देखे, मशीन की वर्किंग देखे, खुद वर्किंग करके देखे, और यहाँ पर आने से उनको और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम तो चाहेंगे कि कस्टमर यहाँ पर आके फिजिकली ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर कोई वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मंगा सकते हैं, यहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, या जहाँ रेलवे रूट होता है हम रेलवे से भी माल भेज देते हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट से हमारा माल इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी हम माल यहाँ से डिस्पैच करते हैं। सर, जैसे कि आपने इस मशीन के बारे में तो हमारे व्यूअर्स को बताया, ये बताइए कि इस मशीन का प्राइसिंग क्या है और इसका ट्रांसपोर्टेशन का किस प्रकार से रहेगा, और क्या GST इसके प्राइस के साथ इंक्लूडेड है कि नहीं है, ये हमारे व्यूअर्स को क्लियर कीजिए। बिल्कुल, मैं सारे व्यूअर्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे मशीन का प्राइस है वो हम प्राइस वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में हमारा जो नंबर है, ये ऊपर आप देख सकते हैं चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल्स कर सकते हैं, और जो भी हमारे सेल्स की टीम बैठी है वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगी। इस मशीन के पूरे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको, और उसके प्राइस के बारे में भी पता चलेगा। और दूसरी चीज़, जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि इसका जो है GST और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो GST और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होता है वो कस्टमर को अलग से ही पे करना होता है। तो बिल्कुल, आपको जो भी जानकारी चाहिए प्राइस से रिलेटेड और भी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो आप देख सकते हैं, ये हमारा वीडियो में हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पे कॉल करके हमारे सेल्स की टीम से सारी जानकारी ले सकते हैं। सर, तो हमारे व्यूअर्स को आप ये क्लियर कीजिए कि इस मशीन से प्रोडक्ट कैसे रेडी होता है, इसके वर्किंग प्रोसेस क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। बिल्कुल, मैं हमारे सारे व्यूअर्स को दिखा देना चाहता हूँ कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है और इसमें से कैसे प्रोडक्ट जो है रेडी किया जाता है।
तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहे, हम आपको इस मशीन की पूरी वर्किंग दिखाते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये मशीन कैसे वर्क करती है और इससे कैसे प्रोडक्ट रेडी होता है। आप देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट है, ये सोडा फिल हो चुका है और इसमें जो हम फ्लेवर बना रहे हैं ये ब्लूबेरी है, काफी टेस्टी फ्लेवर बनता है, आप देख सकते हैं। ये बहुत इजी है प्रोडक्शन करना, आप देख सकते हैं। इसकी सोडा की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कि कितना स्ट्रांग सोडा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत इजी है, इसमें कोई भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। और वैसे इसमें हमको ज़्यादा स्पीड काम करने के लिए दो लोगों की ज़रूरत रहती है, क्योंकि अभी एक आज एक बंदा जो रहेगा वहाँ पर फीलिंग करेगा और एक बंदा यहाँ पर कैपिंग करेगा, जिससे इसकी प्रोडक्शन और काफ़ी तेज हो जाए। देखिए कितना स्ट्रांग सोडा बना है, आप देख सकते हैं, इसके बुलबुले से आपको समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल इस तरीके का मशीन खरीदने के लिए आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे कंपनी में, और इसका सारा इन्फॉर्मेशन जो है हमारी सेल्स की टीम आपको सारी जानकारी देगी। सर, जो ये प्रोडक्ट बनकर रेडी हुआ है इसकी लागत क्या आएगी, मतलब इसकी एक बॉटल की कॉस्टिंग क्या रहेगी, प्लस इससे पर डे जो इस मशीन से प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी प्रॉफिट क्या रहेगा वो बताइए। और दूसरी चीज़ ये सर, इसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, हमारे व्यूअर्स को क्लियर कीजिए। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट देख रहे हैं आप, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो लाइसेंस हमको लेना पड़ेगा FSSAI, जो FSSAI लाइसेंस बोलते हैं, फूड लाइसेंस, ये आपको बनाना पड़ेगा और उसके बिना आप, उस लाइसेंस के बिना आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा, इसकी कॉस्टिंग में बता देना चाहता हूँ सारे कस्टमर्स को, ये जैसे आप ये बॉटल देख रहे हैं ये 2.35 रुपये का बॉटल आएगा, इसमें आपको 65 रुपीज़ का अच्छी क्वालिटी का कैप आएगा, मतलब ये 3 रुपये हो गया। इसमें हम स्टिकर्स भी लगाएंगे, वो स्टिकर की जो प्राइस आएगी इसकी आपकी 20 पैसे की आएगी, तो ये 3.20 रुपये हो गया और आपका 1.40 रुपये का आपका इसके सिरप की कॉस्ट आएगी। तो ये मिला के आपका समझ लीजिए 4.60 रुपये हो गया, 10 पैसा हम इसका लेबर कॉस्ट पकड़ लेते हैं और 10 पैसा अपन इसका अदर एक्सपेंसेस पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से ये मैक्सिमम आपको 4.80 रुपये, 4.90 रुपये का जैसा ये प्राइस जाएगा, जो कि आप आराम से इसको 7 रुपये में बेच सकते हैं या 6.5 रुपये में बेच सकते हैं। अगर आप 6 रुपये में भी बेचते हैं तो कम से कम एक पीस के पीछे आपको 1 रुपये की इनकम आएगी, और जिससे आप ये मशीन से आप आराम से 3,500 बॉटल की प्रोडक्शन कर सकते हैं 8 घंटे में। अगर आप ज़्यादा वर्किंग करना चाहेंगे तो ज़्यादा भी प्रोडक्शन ले सकते हैं सीज़न के टाइम में, तो आराम से आप इसमें से 3,500 रुपये की अर्निंग पर डे बहुत ही आराम से कर सकते हैं।